हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल ज्ञान की मोती। इन टुडेस वीडियो आई हैव ब्रॉट सच एसेस फॉर ऑल ऑफ यू व्हिच आर ऑफन आस्क्ड इन एग्जाम्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट ओनली होप बट आल्सो बिलीव दैट दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। डियर व्यूअर्स, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, डोंट गो फ्रॉम हियर विदाउट सब्सक्राइबिंग द चैनल। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। Today's first essay is The Fair. It means Mela. I live in Farukhabad. मैं फरुखाबाद में रहता हूँ या रहती हूँ। It is situated on the holy river Ganges. यह पवित्र नदी गंगा के किनारे स्थित है। Every year a fair held here in the month of Magh. माघ के महीने में हर साल यहाँ मेला लगता है। This fair is considered equivalent to the Kumbh Mela. यह मेला कुंभ मेला के समकक्ष माना जाता है। People from far away come here to have a dip in the holy Ganges and enjoy the fair. लोग बहुत दूर से यहाँ आते हैं गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए और मेले का आनंद उठाते हैं। This fair is famous as Ramnagariya Fair. यह मेला रामनगरिया मेला के नाम से प्रसिद्ध है। Many beautiful things are sold in this fair. इस मेले में बहुत ही खूबसूरत सी चीजें बिकती हैं। Many kinds of shops are held here. कई प्रकार की दुकानें यहाँ लगाई जाती हैं। We can enjoy circuses and dramas. हम यहाँ पर सर्कस और ड्रामा का यानी नाटक का आनंद उठा सकते हैं। Many kinds of swings like giant wheel. बहुत से प्रकार के झूले जैसे जाइंट व्हील, बोट स्विंग, टोरा टोरा राइड, ब्रेक डांस स्विंग, हॉर्स राइड एंड रेंजर स्विंग। हम यहाँ पर इतने प्रकार के झूलों का आनंद उठा सकते हैं। दिस ईयर, इस साल आई ऑल्सो एंजॉयड द फेयर। मैंने भी इस मेले का आनंद लिया विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, मेरे परिवार के साथ और अपने मित्रों के साथ। Really, it is great fair in उत्तर प्रदेश। वास्तव में उत्तर प्रदेश का यह सबसे बड़ा मेला होता है। Today's second essay is The Postman, डाकिया। A postman lives in cities and towns. एक डाकिया शहरों या छोटे कस्बों में रहता है। He is a poor man. वह एक गरीब व्यक्ति होता है। So his house is small. इसलिए उसका घर छोटा होता है। It is made of brick and stone. यह ईंटों और पत्थरों का बना होता है। He wears a khaki uniform. वह खाकी वर्दी पहनता है। On his head, उसके सर पर he wears, वह पहनता है एक कैप और a turban, एक टोपी या पगड़ी। When he is on duty, जब वह अपनी ड्यूटी पर होता है, he carries a leather bag, वह एक चमड़े का बस्ता लिए होता है। In this bag he keeps money orders and parcels. इस बस्ते में वह मनी ऑर्डर्स और पार्सल्स रखता है। In his hands, उसके हाथ में he carries letters. और अपने हाथ में वह पत्र रखता है या पकड़ता है। His food is simple. वह सादा भोजन करता है या उसका भोजन सादा होता है। He eats bread. वह रोटी खाता है, राइस चावल खाता है and vegetables और सब्जियां खाता है। He can't enjoy costly dishes. वह महंगे महंगे पकवानों का आनंद नहीं उठा सकता। His work is very important. उसका काम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। In the morning, he goes to the post office. सुबह वह पोस्ट ऑफिस जाता है, डाकघर जाता है। There he sort out letters. और वह वहाँ पर पत्र छांटता है। Then he goes from door to door. और इसके बाद वह दरवाजे से दरवाजे तक जाता है। And distributes them. और उन्हें बांटता है। He must give the letters. उसे पत्र जरूर देने होते हैं एंड द मनी ऑर्डर्स टू द राइट पर्सन। उसे सही व्यक्ति को
वो पार्सल्स और पत्र देने होते हैं। He gets poor salary. उसे बहुत ही कम तनख्वाह मिलती है। So his life is not happy. इसलिए उसका जीवन खुशमय नहीं है। His condition must be improved. उसकी स्थिति में सुधार होना चाहिए। His children should get free education. उसके बच्चों को फ्री शिक्षा यानी मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाहिए। He should get more salary. उसे तनख्वाह और मिलनी चाहिए या उसकी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए। Now, the third essay is the Taj Mahal. Dear viewers, the Taj Mahal is situated on the bank of the river Yamuna in Agra. Taj Mahal, Agra में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। It was built by Emperor Shah Jahan. यह सम्राट शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। He built it in the memory of his beloved queen Mumtaz Mahal. उसने यह अपनी पत्नी, प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। It is made of white marble. यह सफेद संगमरमर का बना हुआ है। It is one of the most beautiful buildings in the world. यह संसार की खूबसूरत इमारतों में से एक है। People from all over the world come to see it. पूरे विश्व में से बहुत से लोग इसे देखने आते हैं। There are four high minarets on the four corners. इसके चारों तरफ चार ऊंची-ऊंची मीनारें हैं। In the middle, बीच में, there is a beautiful dome. एक खूबसूरत सा गुंबद है। On the ground floor, भूतल पर, there are the graves of Shahjahan and Mumtaz Mahal. शाहजहां और मुमताज महल के मकबरे हैं। There is a beautiful garden in the front of the Taj. ताज महल के बिल्कुल सामने एक बहुत खूबसूरत सा बगीचा है। The Taj Mahal is a pride of India. ताज महल भारत का गर्व है। Dear viewers, let's move on to the other essay of today's video. It is the farmer. It means किसान। The farmer is a useful person. एक किसान बहुत ही उपयोगी व्यक्ति होता है। He lives in a village. वह एक गांव में रहता है। His life is very simple. उसका जीवन बहुत ही सादा होता है। He gets up early in the morning. वह सुबह जल्दी उठता है and gets ready to go to his field. और अपने खेत पर जाने के लिए तैयार होता है। He takes his bullocks and goes with them. वह अपने बैल लेता है और उनके साथ जाता है। He plows his field till noon. वह दोपहर तक अपने खेत जोतता है। He takes his food at noon. फिर दोपहर में अपना भोजन लेता है। He takes rest short time. वो बहुत ही कम समय के लिए आराम करता है। He plows his field again. वह अपने खेत फिर जोतता है। He comes back home in the evening. वह शाम को अपने घर लौटता है। He grows crop and reaps them. वह फसल उगाता है और उनको काटता है। He works hard, yet his life is not full of pleasure. वह बहुत कठिन परिश्रम भी करता है, फिर भी उसका जीवन आनंद से भरपूर नहीं होता। He leads a simple life. वह एक सादा जीवन जीता है। His children do not get proper education. उसके बच्चों को समुचित शिक्षा नहीं मिलती है। The farmer is the backbone of Indian economy. किसान भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड होता है। Dear viewers, these were the most important essays. Hope you all liked this video. If you really liked it, then share as much as possible, so that other people can also take advantages of it. See you soon in the next video. Till then, keep taking a good care of yourselves. Let's call it a day. Thank you.